रायबरेली में लोकसभा चुनाव के दिन सपा कार्यकर्ता जितेंद्र यादव की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले का संज्ञान लेते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाकर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 गांव का है, जहां लोकसभा चुनाव के दिन जितेंद्र यादव की भाजपा समर्थक ब्लॉक प्रमुख और उनके साथियों के द्वारा पिटाई कर दी गई थी, जिसमें जितेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री कमाल अख्तर, सुनील सिंह साजन, सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, हरचंद्रपुर विधायक राहुल राजपूत लोधी और सपा जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम बनाकर मामले की जांच के लिए भेजा है। प्रतिनिधि मंडल के बारे में आदरणीय कमाल अख्तर साहब ने सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी हैं कि डी ब्लॉक में जो चुनाव वाले दिन घटना हुई थी जितेंद्र यादव के साथ, उसको लेकर के बात सारी आ गई है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का घमंड पीडीए ने तोड़ा है। और क्योंकि रायबरेली में अभी सामंती सोच के लोग ज़्यादा हैं, जो गरीब पर, कमज़ोरों पर और ख़ास तौर से पीडीए के लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो जब बीजेपी का घमंड पीडीए तोड़ सकता है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में यही पीडीए जो सामंती सोच के लोग हैं उनका भी घमंड तोड़ेगा, उनका